हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास वन चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी फिंगर टिप में से है, तो देखते हैं आज का न्यूमेरिकल क्या है। हमारा स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट विल बी स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज निकालनी है, जो की होता है डेल्टा यू नॉट। तो ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। रिएक्शन हमें गिवन है, हमें टेम्परेचर गिवन है और साथ में डेल्टा एच नॉट की वैल्यू गिवन है। डेल्टा एच नॉट इज द स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी और डेल्टा यू इज द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इसका जो रिलेशन होता है वो हमारे पास है, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच नॉट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, डेल्टा यू नॉट इज द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा एन जी इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन फॉर द गैसेस ओनली। यहाँ पे हमें सिर्फ गैसेस का चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स लेना है, बाकी सॉलिड और लिक्विड जो है वो हमें कंसिडर नहीं करने। आर इज द गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है -310 किलो जाउल है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा जाउल के अंदर। तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 के साथ, तो ये हो गया हमारा जाउल। डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा यू नॉट हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा एन जी जो है वो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2 + 1। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 2 + 1 = 3 हो गया। इसमें से माइनस करेंगे रिएक्टेंट के, 1 + 1 = 2, तो 3 - 2 करेंगे तो हमारे पास आ गया 1। डेल्टा एन जी जो है वो हमारे पास 1 हो गया। आर आर की जाउल में लेना है, तो जाउल में आर की वैल्यू होती है 8.314। टेम्परेचर हमें गिवन है 298। तो सारी वैल्यूज जो है वो हम पुट कर लेते हैं। डेल्टा एच नोट की जगह पे रखेंगे -300 आगे, 300 इज इक्वल टू डेल्टा यू नोट फाइंड आउट करना है प्लस डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, आर की वैल्यू है 8.314 और टेम्परेचर है हमारे पास 298। तो ये इधर आके सारा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 310000 - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, तो -8.314 × 298 इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -310000 - इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2477.57572। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 312477.57 जाउल। लेकिन हमारे जो आंसर्स हैं वो सारे किलो जाउल में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करने पे पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 312.5। तो ये आंसर आ जाएगा -312.5। तो ऑप्शन किलो जाउल में आएगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, -312.5 किलो जाउल जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।